हेलो एवरीवन। सो आप कुछ बहुत ही नया मेरे हाथ में देख रहे होंगे। मतलब मैंने भी मतलब अभी रिसेंटली ये चीज़ देखी है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, डोंट यू थिंक सो? ये सिर्फ ये लाइट देखो, आपको लगेगा ठीक है यार ऐसा कुछ तो देखा था, बट नहीं, ये एकदम ही डिफरेंट है। आज जो है हम आपको ऐसे बहुत सारे एक्सेसरीज, हाँ ये एक्सेसरीज है, ये एक्चुअली लाइट नहीं है। ये लाइट हम लोग ने 8200 जो गोडोक्स की लाइट होती है ना, जो फ्लैशेस, उसके साथ कनेक्ट की है जो यहाँ पर है। ओके, सो ऐसी बहुत सारी एक्सेसरीज आप इस वीडियो में देखने वाले हो। मतलब आपकी एक बेसिक सी लाइट 8200, मतलब सिंपल है ना, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, स्टे देयर। ये जो फ्लैश है वो आप आपके लेंस के आगे लगाते हो, मतलब यहाँ पे मेरा कैमरा है, यहाँ पे मेरा लेंस है और लेंस के आगे आपको ये फ्लैश दिखेगी। तो ये जो फ्लैश है आपको इसके ऊपर कनेक्ट करना है। यहाँ पर जो है हम लोग ने इसका स्टैंड भी दिया गया है और इससे इसको जो वायर है वो वायर जा कहाँ पर रहा है, हमारी 8200 के फ्लैश के ऊपर। ये जो लाइट है इसके साथ ये सारी एक्सेसरीज हमें मिली थी, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमको यहाँ पे इसके फिल्टर्स मिले थे, यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा बैटरी पैक, वायर वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको इस लाइट के साथ आ जाती है। यहाँ ऊपर 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 देखिए, ऊपर देखिए, हाँ अभी आप देख सकते हो कि जिस हिसाब से हम लोग को यहाँ पे इफ़ेक्ट मिली है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब आपको लगेगा कि ये फ्लैट लुक है, पर एक्चुअली ये फ्लैट लुक है नहीं। यहाँ पे अगर आप उनका शेड देखोगे तो ये उनका जो बैकग्राउंड है एक तो उससे सेपरेट भी कर रहा है, क्योंकि इनके इस पूरे चेहरे के ऊपर ये जो रिंग है ना वो काफ़ी अच्छे से स्प्रेड हो रही है, इवनली यहाँ तक स्प्रेड हो रही है। यूजुअली क्या हो जाता है कि हम लोग जब फ्लैट लुक करते हैं तो यहाँ तक लाइट आती है, पर यहाँ से जो है पूरा डार्क शेडो चला जाता है। पर इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है यहाँ तक लाइट पहुँच रही है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग इफेक्ट है। और उनकी आंखों में जिस हिसाब से जो स्पॉट आ रहा है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर्स। बट एक है, ये जो है हार्ड लाइट है। क्यों? क्योंकि ये जो है डायरेक्ट फ्लैश चेहरे के ऊपर दे रहा है, राइट? अभी इसके ऊपर हम ऐसे डिफ्यूज़र्स लगाएंगे जिसकी वजह से ये हार्ड लाइट भी काफ़ी डायरेक्शनल हो जाएगा एंड साथ ही साथ डिफ्यूज़ भी हो जाएगा। सो अभी हम लोग ने इस पर क्या किया है, एक ब्यूटी डिश लगाई है। ब्यूटी डिश का मतलब होता है कि जब आप जो है ग्लैमर शूट करते हो, फैशन शूट करते हो, या फिर आप कोई देखिए वो मेकअप के प्रोडक्ट आ जाते हैं, देखो मेरी त्वचा कितनी खूबसूरत है, वैसे वाले जो वीडियोज़ आते हैं, ये सब जो चीज़ें हैं आप इस तरह का सेटअप पे करते हो। अभी यूजुअली हम लोग ये अलग लाइटिंग के ऊपर ब्यूटी डिश लगाते हैं। अब क्या हो रहा है, पूरा का पूरा ब्यूटी डिश जो है आपके लेंस के आगे ही लग रहा है, जिसके वजह से उनका चेहरा जो है पहले क्या हो रहा था, एकदम ही डायरेक्शनल फ्लैश गिर रहा था और ये जो सारी जो चीज़ें होती ना वो एकदम चमक रही थी। इसमें वो चमक जो है वो चली गई है और जो स्प्रेड हो रहा है लाइट वो और भी अच्छे से स्मूथली स्प्रेड हो रहा है। अगर आपको एक कंपैरिजन देखना है तो अभी देखते हैं, आप वैसे ही पोज कीजिए जो अभी किए थे। आप देख सकते हो कि उनके पूरे चेहरे के ऊपर यहाँ तक सॉफ्ट लाइट स्प्रेड हो रही है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है पूरी की पूरी लाइट स्प्रेड हो रही है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये हालांकि जब आप अलग से फ्लैश लगा के उसके ऊपर ब्यूटी डिश लगाते हो फिर भी ऐसी इफ़ेक्ट नहीं आती है। जब भी आप जो है एक लाइट स्टैंड पे ऊपर लगाते हो और उसके ऊपर ब्यूटी डिश लगा के काम करते हो फिर भी ऐसी लाइट आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो कोई एंगल से तो डायरेक्टेड है, वो कहीं से तो चेहरे के ऊपर आ रही है, राइट? इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्ट फ्लैश आपके लेंस के सामने से ही आ रही है, जिसके वजह से ये जो स्प्रेड हो रहा है वो काफ़ी हद तक यहाँ से लेके यहाँ तक हो रहा है, जो बहुत ही अलग प्रकार का लुक है। जो जो लोग फैशन फोटोग्राफर्स है, जो लोग स्टूडियो के अंदर काम करते हैं, पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ लेते हैं या मेकअप के फ़ोटोज़ लेते हैं, ज्वेलरी शूट करते हैं, जिनको उनका एक एक टेक्सचर, एक एक दाना चेहरे का दिखाना है, उनके लिए ये सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है।
पर अभी इसमें ऐसा भी है कि अगर लाइट यहाँ से आ रही है तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो ज़्यादा स्प्रेड हो रही है, राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर हनीकॉम ग्रिड भी लगा सकते हैं। हनीकॉम ग्रिड लगाने की वजह से ये जो लाइट है वो और डायरेक्शनल हो जाएगी। अभी हम जो है उसका इफेक्ट देखते हैं। पर आप सोचोगे यार क्या ही फर्क पड़ता है, यहाँ पे लगा देते हैं ना, क्या इतना फर्क पड़ने वाला है, इसका अलग से खर्चा क्यों ही करना। तो अभी मैं आपको समझा रही हूँ कि कैसे जो है आप ये फोटो लोगे और वो लाइट जो आप पहले देख रहे थे वो ज़्यादा उसको डायरेक्ट करेगी। मतलब पीछे का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा और डार्क हो जाएगा, लाइट जिस हिसाब से उनके ऊपर जानी चाहिए वो और भी एकदम एग्जैक्टली वहीं पे जाएगी। पहले वो थोड़ी स्प्रेड हो रही थी, अब क्या हो रहा है, अभी वो उनके तरफ ही ज़्यादा स्पॉट होगा। अभी आप सोचो, हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक फ्लैश रिंग के साथ, पहुँच गए यहाँ तक। कहने का ये है, अभी मेरा कैमरा देखो कितना ही अलग लग रहा है, ऐसा लगता है बहुत बड़ा सेटअप यूज़ कर लिया है ना। सो ये भी एक चीज़ है, बड़ी प्रोफेशनल चीज़ लगती है, राइट। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे और इनका फ़ोटो लेंगे और कंपैरेटिवली आपको दिखाएंगे कि दोनों के बीच में क्या फ़र्क हो रहा है। ज्वेलरी के ऊपर हाथ रखिए। हाँ स्माइल। सेंटर में देखिए, सेंटर में मेरे सामने। अभी देखिए मैंने जानबूझ के, मैं थोड़ा सा दूर आई हूँ और मुझे देखना है कि ये सेंटर में है, ठीक है। पीछे एक वाइट कलर का बैकग्राउंड है। अभी जो है कैसे लाइट इफेक्ट कर रही है, क्या वो कितनी डायरेक्शनल जा रही है, कितनी और कहाँ पे डायरेक्शन हो रही है, उसको हम लोग को देखना है। तो लेट्स सी दैट। ये अभी कंपोजिशन मेरा सेंटर में है एंड देन हाँ ओके। एज यू कैन सी कि जो पीछे का वाइट बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा ग्रे हो रहा है, चेहरे के ऊपर जो लिटनेस है वो ज़्यादा स्प्रेड होके पर उतने ही डायरेक्शन में आ रहा है। ये बहुत ही माइन्यूट चीज़ें हैं, डोंट यू थिंक सो। इतना सारा ध्यान देना है तब जाके आप जो है एक बहुत ही अच्छे पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में आगे बढ़ सकते हो। सो इसीलिए खास ये चीज़ें बनाई है ताकि आप उससे बेहतर काम कर सको। सोचो ये सब कुछ AD-200 से हो रहा था। AD-200 एक ऐसी फ्लैश है जो सबसे अच्छी, ठीक है ना, बेसिक सी फ्लैश है, पर अभी ये बेसिक सी फ्लैश में कितना सारा हो गया, ऐसा लगता है हम लोग ने बहुत सारा कुछ कर लिया है और वो भी एकदम ही मिनिमम बजट में। यार मतलब ऐसा नहीं कि आपको भारी भारी लाखों रुपए डाल देने हैं। सो अभी हम लोग ने इसमें जो है ब्यूटी डिश लगाई, उसके ऊपर हनीकॉम ग्रिड भी लगाई, राइट। तो अगर मुझे चाहिए कि वो जो वाइट लाइट उसमें से आ रही थी उसमें भी मुझे टिंट सेट करना है। देखिए जब आप जेल्स लगाते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा येलो हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, वो अलग जेल्स होते हैं, वो कलर जेल्स कहा जाता है। पर अगर मुझे उसमें टिंट सेट करना है या टेम्परेचर सेट करना है लाइट का, जैसे हम लोग LED लाइट में वगैरह करते हैं, वहाँ पे कंट्रोलर वगैरह दिया गया रहता है, वैसा अगर मुझे इसमें करना है तो यहाँ पे आपको उसके जेल्स भी मिलते हैं। यहाँ पे बस मैंने बहुत ही ईजीली इस लाइट के ऊपर सेट किया है और इसके ऊपर आप वही ब्यूटी डिश का अटैचमेंट लगा सकते हो, वो सारी चीज़ें आप लगा सकते हो, करेक्ट। और ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ वार्म टिंट चाहिए, अगर आपको कूलर टिंट चाहिए, ठीक है, ब्लूअर साइड पे चाहिए, तो इसके बदले आप ये लगा दीजिए। अगर आपको चाहिए मजेंटा टिंट चाहिए तो आप मजेंटा टिंट के लिए ऐसा कुछ लगा सकते हो। इसमें सिर्फ थोड़ी सी वैसी टिंट छूटेगी और जो भी स्किन टोन होगा और जो टोन आप एक्चुअली फोटोग्राफी करते वक्त चाहिए आपको, वो सारी चीज़ें आपको इससे मिल जाएगी, ओके। और इसके ऊपर ऑफकोर्स आप ब्यूटी डिश विथ ग्रिड विदाउट ग्रिड अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से और अपने पर्पज़ के हिसाब से लगा सकते हो। आई होप आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। इतना इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट मैंने भी बहुत ही रिसेंटली देखा है। आई डोंट थिंक ऐसा कोई प्रोडक्ट मैंने इसके पहले कभी देखा था, ऐसी जो इफेक्ट पाना और इतनी हाई फैशन शूट करना, वो भी AD-200 के साथ। अभी तक AD-200 के जितने भी हम लोग ने वीडियोज़ हमारे चैनल पे बनाए हैं वो काफ़ी हद तक ठीक है यार, इस पर ये लगा दो, उसके ऊपर वो लगा दो, ऐसे ही सारे वीडियोज़ हैं, राइट। पर अगर आप हाई फैशन शूट करना चाहते हो, और मैंने काफ़ी वीडियो में समझाया है कि किस तरह की लाइट आपको मिलेगी, अगर आपका ऐसा कोई पर्पज़ है जहाँ पे आपको उनका मेकअप दिखाना है, जहाँ पे आपको उनकी स्टाइलिंग दिखानी है, ज्वेलरी दिखानी है, यहाँ तक कि उनका जो फेस कट है, ऐसा कुछ आपका पर्पज़ है, तो आपको श्योरली ये लाइट लेनी चाहिए। इसके ऊपर ग्रिड्स अवेलेबल है, जेल्स अवेलेबल है, ताकि आप हो सके उतना प्रिसाइज काम कर सको।
बाय द वे, अगर आपको ये खरीदना हो या समझना हो कि इसको बोलते क्या है, राइट, क्योंकि मैंने समझा तो दिया, इंटरेस्ट तो आपका चढ़ गया, तो हमारा फ्लैश का नाम क्या है, AD200, और ये क्या है, रिंग है ना, रिंग की तरह है, तो AD200 का आप R कर दो, रिंग का R ले लो, AD200 का 200 ले लो, रिंग का R ले लो, और हो गया R200, ठीक है, तो इससे कहा जाता है R200 फ्लैश, और अगर आप चाहो तो ये ले सकते हो, काफ़ी ही किफ़ायती दाम में काफ़ी अच्छा फैशन शूट आप कर सकते हो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया है, अगर आया है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच, सी यू सून।